मैं कौन, मेरा कौन, इन दो प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया गया कि ब्रह्म, जीव, माया तीन सनातन तत्व हैं। इनमें से जीव नाम का तत्व मैं है और यह जीव और माया दोनों ब्रह्म की शक्ति हैं, इसलिए इनको अंश भी कहते हैं। और जीव और माया सदा भगवान के अधीन हैं, किंतु जीव माया के भी अधीन है। अतएव अपने स्वरूप को भूला हुआ है। माया के दो स्वरूप होते हैं, एक का नाम जीव माया, एक का नाम गुण माया। और ये जीव माया भी दो प्रकार की होती है, एक आवरणात्मिका माया, एक विक्षेपात्मिका माया। अर्थात एक माया जो है जीव माया में, वो माया क्या करती है, अपने आप का जो स्वरूप है असली, उसको भुला देती है, उसका विस्मरण हो जाता है। और दूसरा काम विक्षेपात्मिका माया करती है कि संसार को मेरा मनवा लेती है, संसार में अटैचमेंट करा देती है। बस इन दो कारणों से अनादिकाल से हम दुखी हैं, अशांत हैं, अतृप्त हैं, अपूर्ण हैं और दंड स्वरूप 84 लाख शरीर धारण करके आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक दुखों से पिसे जा रहे हैं। और ये अनादिकाल से चल रहा है। मैंने आगे आप लोगों को बहुत विस्तार से बताया है कि इसका कोई इलाज जीव के पास नहीं है। जीव बहुत से बहुत जीव माया का अत्यंताभाव कर सकता है साधना के द्वारा, लेकिन गुण माया का अत्यंताभाव कोई भी जीव किसी भी साधना से अनंत काल में भी नहीं कर सकता। ये गुण माया भगवान की शक्ति है और भगवान से ही गवर्न होती है, इसलिए कोई भगवान के बराबर हो जाए तो वो माया को जीत सकता है। तो भगवान के बराबर भी कोई न था, न है, न होगा, क्योंकि तीन तत्व जो मैंने आपको बार बार बताए हैं उनके अतिरिक्त और कोई तत्व है ही नहीं।